रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूँ ईशा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है और खतौली में सपा का जादू चला है। तो वहीं सबसे बड़ा उलटफेर आजम खान के गढ़ रामपुर में देखने को मिला। यहां भाजपा को जीत मिली है, पर इसी बीच सपा का प्रसपा में विलय हुआ है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मैनपुरी में सपा का वर्चस्व कायम, बहू डिंपल की भारी मतों से जीत, खतौली सीट पर गठबंधन का चला जादू, रामपुर में ढही आजम की बादशाहत, भाजपा के आकाश सक्सेना की जीत। यूपी में हो रहे उपचुनावों में मैनपुरी और खतौली सीट से सपा ने जीत दर्ज करा दी है, तो वहीं रामपुर में बीजेपी ने आजम के गढ़ पर कमल खिलाकर एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। दरअसल उपचुनाव के नतीजे सामने आ गए हैं। मैनपुरी में डिंपल यादव ने रघुराज शाक्य को भारी वोटों के अंतर से हराकर अपनी राजनीतिक विरासत को बचा लिया है, तो वहीं खतौली में भी सपा और आरएलडी के गठबंधन से मदन भैया ने बीजेपी की राजकुमारी सैनी को हराकर जीत दर्ज कराई है। लेकिन सपा रामपुर सीट पर अपना जादू नहीं चला पाई। रामपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी आकाश सक्सेना को जीत हासिल हुई है। आजम खान के गढ़ में बीजेपी ने कमल खिलाया है और सपा प्रत्याशी आसिम रजा को हार का मुंह देखना पड़ा है। ये बीजेपी की ऐतिहासिक जीत बताई जा रही है। ऐसा पहली बार है जब बीजेपी ने रामपुर शहर सीट पर जीत हासिल की है। पर इन सब के बीच यूपी की राजनीति में सबसे बड़ी बात ये हुई है कि शिवपाल सिंह यादव की प्रसपा का अब एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में विलय हो गया है। इस दौरान अखिलेश यादव और चाचा शिवपाल सिंह यादव एक साथ नजर आए। इस दौरान शिवपाल ने कहा कि अब भी नेताजी का जलवा कायम है और कायम रहेगा। मैनपुरी जीत पर शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि नेताजी के नाम पर और उनके कराए गए कामों पर हमें वोट मिले हैं। शिवपाल ने ट्वीट कर मतदाताओं को धन्यवाद भी दिया है। खैर, यूपी का उपचुनाव भले ही 3 सीटों के लिए हो, लेकिन इसके संदेश सूबे के सियासी भविष्य का फैसला करेंगे। बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले सपा के सबसे मजबूत दुर्ग माने जाने वाले मैनपुरी और रामपुर को दहाकर बीजेपी यूपी फतेह का संदेश देना चाहती थी, पर खतौली और मैनपुरी में बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा है। पर रामपुर सीट जीत कर इतिहास रचा है। खैर, 2024 लोकसभा चुनाव का मुकाबला दिलचस्प होने वाला है और कौन किसको टक्कर देगा ये तो आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में पता चलेगा। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बात